अचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणि मार्गं त्रैलोक्येप्य प्रतिमामहिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येप्य प्रतिमामहिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानम् मृतवरवपु शीतया यो हि राम भक्त्या ज्ञानम् मृतवरवपु शीतया यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्री स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र वो माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंस दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम हो ताके जुगपद कमल मनावो, जाशु कृपा निरमल मति पाऊरा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचनन जाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम हो सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम,
सियाराम जय जय राम राम सियाराम सियाराम जय जय राम राम सियाराम सियाराम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन अभी मैं बूढ़ापा मेरा आ गया, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, आप कुछ उपाय कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, तुम तीर्थ धारण करो, तुम्हारे घर चार पुत्र हो गए, धरहु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कैसे पुत्र हो गए? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, उसको सब त्रिभुवन में विख्यात हो जाएंगे, भक्तों का भय हरण करेंगे। तो वशिष्ठ मुनि ने श्रृंग ऋषि को बुलाया। ये श्रृंग ऋषि कौन है? कहते हैं कि एक विभाड़क मुनि थे, उन्होंने सोचा कि मेरा लड़का संसार में आसक्त न हो, तो उसने बचपन से उनको लड़के को लेकर वो जंगल में चले गए और जंगल में जाकर उसको वेद शास्त्र अध्ययन कराने लगे और उनको जब ध्यान भगवान का नाम, ऐसा उसने सोचा कि मेरा लड़का कभी स्त्री का मुख न देखे तो क्या है, कभी स्त्री में आसक्त नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो इतने पवित्र भाव से उनके पुत्र को रखने लगे, को लड़का भी बहुत अच्छा था, बहुत पवित्र भाव से अपने पिताजी जो कहते थे वो करता था, और भगवान का भजन करता था, वेद शास्त्र अध्ययन करता था। अभी क्या हुआ, वहाँ कहते हैं कि अंग देश में अकाल पड़ गया, बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही, तो वहाँ के राजा जो रोमपाद थे उसने सब ऋषि मुनि सब ज्योतिषों को बुलाया कि अकाल पड़ गया, कैसे बारिश आए? तो सब ऋषियों ने कहा कि देखिए, विभाडक मुनि के जो श्रृंगी लड़का है, श्रृंग ऋषि, वो इतना पवित्र है कि जो आपके देश में आएगा तो तुरंत बारिश होगी, लेकिन उनको आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो पिताजी है विभांडक मुनि, वो इतने क्रोधी है, किसी स्त्री का मुंह न देख पाए इसलिए जंगल में रखते हैं और उसको छोड़ते ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो राजा ने भी ढंढेरा पिटवाया कि ये श्रृंग ऋषि को कोई ले आएंगे, उसको हम इनाम देंगे। तो एक बुढ़ी थी, वो गई राजा के पास, मैं ले आऊँगी, लेकिन मुझे कुछ युवती कन्या दीजिए साथ में, मैं जाके वो ऋषि को ले आऊँगी। मैं ठीक है। अब उसने क्या किया, वो कुछ युवती कन्याओं के साथ में लिया और उनके लिए सब माला सब ये सब जैसे ऋषि मुनि धारण करते हैं वैसे धारण किया, बहुत मिठाई बिठाई सब फल बल लेकर गई, एक नाव लेकर वो जंगल में, और जंगल में जहाँ वो ऋषि और उनके जो लड़के श्रृंग ऋषि रहते थे, वो दूर से देखती थी कि कब वो उनके पिताजी बाहर जाते। तो कभी कभी उनके पिताजी विभांडक मुनि बाहर जाते थे, वो अकेला रहता श्रृंग ऋषि, बस उसने जब अकेला रहता था तब उसने क्या किया, वो सब युवती कन्या के जो बड़े बड़े बाल को जटा बना दी और गले में रुद्राक्ष की माला बाला पहना दी, ऐसा ऋषि मुनि जैसा वेश करवा दिया, तिलक बिलक लगा दिया और कहा तुम जाओ। वहाँ जाके वो ऐसी युवती कन्या थी, सब बिना बिना अच्छा गाना बजाना सब जानती थी, वो जाके जब ऋषि चले गए वो जाके सब गाना गाने लगी, नाचने लगी, तो श्रृंग ऋषि बाहर आए, उसने तो कभी स्त्री देखी नहीं थी, बोचे ये सब कौन है, बस हम तो ऋषि है। तो उनके साथ वो भी खेलने लगे,
बाद में वो सब अच्छी अच्छी मिठाई लाई थी, मिठाई खिलाने में उसने तो कभी मिठाई खाई नहीं थी, फल खाया था, वो ये कि ये भी फल है तुम खाओ, तो उसको बहुत मज़ा आ गया। फिर थोड़े दिन के उनके पिताजी आने से पहले वो चले गए, वैसे वो रोज़ आने लगी। वैसे जब उनके पिताजी नहीं रहते थे और उसको उसको श्रृंग ऋषि को इतना अच्छा लग गया ये सब युवत कन्या को उनका नाच गान उनके साथ खेलना, कभी कभी उनको उनको स्पर्श करते थे, ऐसे करते करते वो अभी पूरे दिन वही इंतजार करते थे कि कब ये सब वो युवती कन्या आए। उसको तो पता नहीं ये युवती, ये तो सोच रहे कोई ऋषि विषि होंगे, कितने अच्छे, कितने देखने में अच्छे, कितने नाचने में गाने में अच्छे है। और एक बार वो सब आई और कहा कि देखो अब तो हम चले जाएंगे, हम रहेंगे नहीं यहाँ। तो ऋषि तो रोने लगे कि हम क्या करें, तुम चली जाओगे तो मैं कैसे रहूँगा। मुझे काम करो, तुम भी हमारे साथ चलो। पिताजी गुस्से, अरे गुस्से हो जाएंगे क्या है, वो फिर ठीक हो जाएगा, तुम कल हम तुमको बोलेंगे, इस समय निकलेंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। तो श्रृंग ऋषि मान गए। अब उनके पिताजी जब बाहर गए तब इसको इसको लेकर चले गए, नाव में बिठा दिया, नाव लेकर चले गए। और जब ही गए थे और जो रोमपाद जो राजा थे अंग देश में, जब भी उन्हें पांव रखा तो बहुत बारिश आई। तो ये राजा की एक लड़की थी शांता, उनके साथ श्रृंग ऋषि की शादी की। तो पहले तो विभांडक मुनि बहुत गुस्से हो गए, लेकिन जब देखा कि राजा की लड़की के साथ शादी हुई तो फिर वो शांत हो गए। तो कहते कि उनको बुलाने से क्या होगा, ये पुत्रिष्ठ यज्ञ वो कराएंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रिष्ठ यज्ञ वही कराएंगे। तो आए और कहते भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे आहुति देने लगी भक्ति सहित अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, अग्निदेव कहने लगे वशिष्ठ ऋषि को कि तुमने जो हृदय में विचार किया सकल काजुबा सिद्ध, तुम्हारा सब कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। यह हवि बांटे देहु निप जाई। उसने जो अग्निदेव के हाथ में एक पात्र था वो पात्र दे दिया, इसमें खीर थी कि ये तुम दे दो राजा को और राजा खिलाएंगे तो उससे पुत्र प्राप्ति होगी। तो कहते चथा जोग जही भाग मनाई, वो राजा के हाथ में दिया वशिष्ठ मुनि ने। राजा ने क्या किया, आधा भाग कहते अर्ध भाग कौशल्या ही देना, उसमें आधा भाग कौशल्या को देना, फिर जो आधा भाग रहा उसमें से उभय भाग आधे कर लेना, उसका आधा आधा भाग किया। वो जो आधा भाग था उस कई कई को दिया, और जो फिर आधा भाग बचा वो कहते हैं कि कौशल्या और कैकेयी ने मिलकर सुमित्रा को दिया। दोनों ने आधा आधा भाग दिया उसको। और जब सुमित्रा को दोनों ने दिया तो सुमित्रा ने मन ही मन सोचा कि मेरे जो दो पुत्र होंगे तो दोनों पुत्र, ये एक पुत्र कौशल्या के लड़के की सेवा करेंगे और एक लड़का ये कई कई के लड़के की सेवा, ऐसे मन ही मन सोचा सुमित्रा ने। और बाद में हम देखते वही हुआ, कौशल्या के गर्भ में भगवान राम, कई गर्भ में भरत, और उनके जो लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न थे, लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा की और भरत ने शत्रुघ्न की सेवा की। तो जैसे ये प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, यही विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित सुख भारी, सबको आनंद हुआ गर्भ आ गया। जब से गर्भ आ गया तब से कहते सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सब में आनंद छा गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आए, बस सब जगह आनंद आनंद हो गया कहते हैं। और जब समय अनुकूल हुआ, यहाँ रामचरितमानस में लिखते हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल।
योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जब अनुकूल हो गया, यहाँ कहते कि चर अचर सब सब आनंद में आ गए, और राम भगवान के जन्म के अनुकूल सब समय आ गया। यहाँ कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बाबाऊ हर्षित सुर संतन मन चाहो मन कुसुमित गिरिगन मनियारा स्रवहि सकल सरितामृत धारा सो अवसर बीरंसी जब जाना चले सकल सुर साज विमाना गगन विमल संकुल सुर जूथा गावही गुण गंधर्व बरूथा बरसई सुमन सुअंजलि साजी गह गई गगन दुदुम्भी बाजी अस्तुति करही नाग मुनि देवा बहुविधि लावही निज निज सेवा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास नवमी तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष था और अभिजीत नक्षत्र था। मध्य दिवस अति शीतन धामा, भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? दोपहर 12 बजे मध्य दिवस। अति शीतन धामा, बहुत ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं था। पावन काल लोक विश्रामा, पवित्र काल था, सब लोक के मन में विश्राम हो गया। शीतल मंद सुरभि वह वायु, सुंदर शीतल मंद सुगंधी वायु बहने लगी। हर्षित सुर संतन मन चाहू, सबका मन आनंद में आ गया। कहते वन कुसुमित गिरिगन मनिहारा, सब जितने वृक्ष थे वह फल फूल से आच्छादित हो गए। स्रवही सकल सरितामृत धारा, सब नदियों में अमृत जैसा पानी बहने लगा। सुअवसर बिरंची जब जाना, जब ब्रह्मा को पता लगा कि भगवान का प्रागट्य होने वाला है। चले सकल सुरसाज विमाना, सब देवता आकाश में विमान लेकर आ गए। गगन विमल संकुल सुरजूथा गाव ही गुण गंधर्व बहुथा, गंधर्व गान करने लगे, अपसरा नृत्य करने लगी। बरसे सुमन सुअंजलि साजी, आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी। अगह गई गगन दुदुम्भी बाजी, दुंदुभी बजने लगी। अस्तुति करती नाग मुनि देवा बहुविधि लावही निज निज सेवा। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे, और यहाँ कहते सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता सब लोग स्तुति करने के बाद जब अपने धाम में पहुँचे, कहते जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल अखिल लोक विश्राम, भगवान श्री राम प्रकट हुए। यहाँ रामचरितमानस में लिखते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निजयायुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रगट हुए। कौशल्या के इष्ट देव भगवान विष्णु थे,
कहते हैं लूचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी शंख चक्र गदा पद्मचार आयुध धारण किए है भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। वनमाला पहने हुए है भगवान, नयन विशाले शोभा सिंधु, शोभा के समुद्र है भगवान, खरारी। अच्छा, यहाँ खरारी कहते भगवान को। खरारी का मतलब क्या है? खर असुर को भगवान ने नाश किया था। तो देखिए, जन्म के समय भगवान को खरारी कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहते हैं कि जब भगवान राम ने खर दूषण का वध किया, जब लक्ष्मण ने सुपर्णखा नाक कान काट दिया, वो पहले खरदूषण के पास गए। खरदूषण 14,000 सैन्य को लेकर भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा, तुम चले जाओ गुफा में, लेकर सीता को मैं अकेला युद्ध करूंगा। अरे भगवान राम जब युद्ध कर रहे तो देखा कि ये सब राक्षस को मारे, गला काट रहे, फिर झूठ रहा है, झूठता है, एक भी राक्षस मरता नहीं। कितनी बार भगवान ने मारा, कोई मरता नहीं। देवता लोग आकाश से देख रहे, अरे ये भगवान अकेले 14,000 ये सब राक्षस भगवान मारते, गला काटते, फिर झूठ जाते, कोई मरता नहीं, क्या करेंगे। देवता को बहुत चिंता होने लगी, भगवान राम कैसे उनको मारेंगे। भगवान राम को पता था इनकी मृत्यु कैसे होगी। यहाँ कहते हैं कि खरदूषण ने बहुत तपस्या की थी ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के वर मांगा कि हम किसी से न मरे। देखिए, राक्षस लोग चाहते हैं हम किसी से न मरे, हम दूसरों को मारे, ठीक है। तो ब्रह्मा ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा, मरना पड़ेगा, तुम बोलो कैसे मरोगे। तो खरदूषण ने कहा कि हम लोग जो आपस में परस्पर युद्ध करेंगे तो मरेंगे, वरना नहीं मरेंगे। उसने सोचा था हम क्यों आपस में युद्ध करें, हम तो दूसरों को ही मारेंगे, आपस में कभी युद्ध नहीं करेंगे, उसने निश्चय किया था। अब भगवान राम को पता है कि ये मेरे मरने से नहीं मरेगा, ये तो आपस में युद्ध होगा तभी मरेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया, एक युक्ति बनाई। भगवान राम ने जितने सब राक्षस थे सबको राम बना दिया, सब राम बन गए। अब जैसे राम बन गए, वो तो सामने, अरे मेरे सामने राम खड़ा है, मारो मारो, बस आपस में सब लड़ते रहे तो मर गए। देखिए, भगवान श्री राम का जन्म क्यों हो रहा है? यहाँ कहते शोभा सिंधु खरारी, भगवान श्री राम सबको राम बनाना चाहते। हमारे सबके हृदय में राम, भगवान श्री राम का आविर्भाव हो, भगवान राम का जन्म का हेतु वही है, सब राम बन जाए, सब में राम प्रतिष्ठित हो जाए। तो यहाँ इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। दो हाथ जोड़कर स्तुति करे माँ कौशल्या कि मैं आपकी कैसे स्तुति करूँ, आपकी स्तुति तो माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता, वेद से अतीत आप सब है, करुणा सुख सागर सब गुणागर जेहि गावि श्रुति संता। श्रुति पुराण संत सब गाते हैं आपका गुण, आप करुणा सुख के सागर है। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयु प्रगट श्रीकांता, वो मेरे हित के लिए प्रभु आप प्रगट हुए। यहाँ माँ कौशल्या कहती है कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीरमति थिरन रहे। जो जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है वो मेरे गर्भ में थे, ऐसा जो कोई किसी को पता लगेगा सब हंसेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत वचन स्थिर रहे, सब उपहास करेंगे, अरे भगवान इतने ब्रह्मांड के नायक वो कैसे गर्भ में रह सकते हैं, हृदय में उर में रह सकते हैं,
उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुषकाना चरित बहुत विधि किन्नी चाहिए। भगवान ने बताया कि तुम लोगों ने पिछले जन्म में तपस्या की थी, इसीलिए मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ। माता ने कहा कि ये रूप त्याग कीजिए, ये शंख चक्र गदा पद्म वाला आप शिशु रूप धारण कीजिए। तब यहाँ कहते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही तीन परही भव कूपा। माता ने कहा ये रूप त्याग कीजिए, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। मैं तो पुत्र सुख पाना चाहती हूँ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने लगे, हुई बालक सुरभूपा, भगवान स्वयं बालक हो गए। यह चरित्र जे गावही हरि पद पावही, तुलसीदास जी कहते ये चरित्र का जो गान करेंगे सुनेंगे भगवान के चरण में स्थान होगा। और क्या होगा, तेन परे भवकूपा, ये भवकूप में फिर आएंगे नहीं। यहाँ कहते विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य का अवतार क्यों लिया है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने मनुष्य अवतार क्यों लिया। विप्रधेनु सुर संतहित, ब्राह्मण गाय सूर देवता और संत के हित के लिए भगवान ने मनुष्य अवतार दिया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण, अपनी इच्छा से अवतरित हुए। हम अपनी इच्छा से अवतरित नहीं होते, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से वो माया को ग्रहण कर अवतरित होते हैं। देखिए यहाँ ये नहीं कहा असुर संहार के लिए भगवान ने जन्म लिया, यहाँ कहते विप्र हेतु सुर संत हित। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे, अभी हम सब लोग मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी लोग मेरे साथ संकीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सदगुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।